ए हाय फ्रेंड्स वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी सो आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर्स टू वॉच तो सेक्टर्स टू वॉच ये मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ पे बिकॉज बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है Uh, कुछ चीजें लोकली चेंज हो रही है कुछ चीजें वर्ल्ड वाइड चेंज हो रही है तो उसका इंपैक्ट इन सेक्टर्स पे कैसा होगा ये यहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं तो पहला सेक्टर है वो है मल्टीप्लेक्स सेक्टर सो मल्टीप्लेक्स सेक्टर स्पेसिफिकली अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा बिजनेस इस इंडस्ट्री को मिलता है और महाराष्ट्र में जो ओमिक्रॉन की वेव चल रही थी उसके चक्कर में जो रेस्ट्रिक्शंस लाए गए थे फॉर एंटरटेनमेंट हो या रेस्टोरेंट्स हो तो जिस पर इंटरटेनमेंट में ये मल्टीप्लेक्सेस आते इवन मैं तो बोलूँगा रेस्टोरेंट्स फूड सर्विसेज एंड फूड डिलीवरी एंड ऑल दोज थिंग्स अगर हम बात करेंगे तो वो भी मल्टीप्लेक्सेस में बहुत ज़्यादा होती है तो एवरीथिंग मतलब ये सेक्टर से लिंक्ड ये न्यूज़ है तो महाराष्ट्र में 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें से कम्प्लीटली जिस लॉकडाउन उठाया गया है जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे फ्रॉम uh, दी कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू 50 परसेंट की कैपेसिटी होगी मैक्सिमम 200 लोग ही एक जगह पे हो सकते हैं तो वो सारे रेस्ट्रिक्शंस uh, uh, 14 डिस्ट्रिक्ट uh, से निकाले गए हैं और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि पुणे हुआ या फिर मुंबई हुआ तो यहां से ये रेस्ट्रिक्शंस उठाए गए हैं दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर अब मल्टीप्लेक्सेज सेक्टर की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली दे हैव गॉन थ्रू वर्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ ये पर्टिकुलर कंपनीज की अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली आईनॉक्स की अगर हम बात करते हैं या फिर पी वी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे Uh, I think they have survived this uh, particular phenomena. Hopefully, hopefully, कि अभी कोई ऐसी बड़ी वेव ना आए and the business should be as usual. So this is a very positive news for this sector multiplex, जिसमें uh, Inox और PVR वी आर ये दो जो कंपनीज है इस पर uh, आपने नजर रखनी चाहिए अब दूसरा सेक्टर है विच इज गेटिंग एफेक्टेड बाय दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहे और वो सेक्टर है एफ अब आप बोलोगे एफ का और यूक्रेन रशिया का क्या लेना देना है तो एफ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं बहुत सारे पाम क्रूड ऑयल के चीज़ें यूज होती है डेरिवेटिव्स यूज होते हैं देन जब कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती है जहां पे व्हीट हो कॉर्न हो या फिर सनफ्लावर ऑयल हो तो ये भी इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज यूक्रेन और रशिया प्रोड्यूस दैट ऑन हाई लेवल और वहां से एक्सपोर्ट्स भी होते हैं तो वर्ल्ड मार्केट की ये इको खराब हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और सीधा सीधा इंपैक्ट ये एफ पे होता है नाउ देर आर सम कंपनीज विच आर इन अ पोजिशन कि जो ये कॉस्ट है वो पास ऑन कर सकते हैं टू द कंज्यूमर स्पेसिफिकली अगर हम एचओएल जैसी कंपनी की बात करेंगे जहां पर उन्होंने लास्ट मंथ से तेरह परसेंट तक थ्री परसेंट टू थर्टीन परसेंट तक अक्रॉस प्रोडक्ट है, उन, है। प्राइसेस जो बढ़े वो बहुत ज्यादा बढ़े मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बोलोगे आप या फिर पाम ऑयल के प्राइसेस बोलोगे तो डेफिनेटली थर्टी फोर्टी परसेंट तो वहां पे अगर यह चीज हो रही है तो उसी का इंपैक्ट ऑपरेट प्रॉफिट मार्जिन पर होगा कंपनी पे तो उतना वो प्राइसिंग पास ऑन नहीं कर सकते बट देर आर समीज विच आर डूंग पासिंग ऑन दोज प्राइसिस एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अर्मानेंट थिंग तो ये जो प्राइसेस होंगे ये नीचे आएंगे बट आई कि यहाँ पे ये जो कंपनीज है प्राइस uh, राइज जो होते उसकी न्यूज हम हमेशा सुनते हैं बट इनके प्रोडक्ट्स के प्राइस कट्स ये हार्डली कभी सुनने को हमें मिलता है एंड दैट साउ ऑन अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर मार्जिन सो ये यहाँ पे जो सॉलिड कंपनीज है जिनके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटीज काफी अच्छे uh, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो ऐसे कंपनी पे आपको नजर रखनी चाहिए एफ कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली जो मल्टीनेशनल कंपनीज उन पर आपकी नजर होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है जिसमें दो कंपनीज आप रडार पे रख सकते हुए हो एक है एच और दूसरी जो कंपनी है वो है नेस्ले तो उनको उन पे आपने नजर रखनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है देन थर्ड सेक्टर जो काफ़ी प्रेशर में अभी चल रहा है वो है ऑयल एंड मार्केटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिसमें बीपीसीएल आता है आई आता है या फिर जिसमें आपका एच आता है तो ये जो कंपनीज है यहां पर आप लोगों ने देखा होगा लास्ट दो से तीन महीने में भले ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े बट

ऑबियसली so uh, तब तक ये जो भी दो तीन महीने का लॉस हुआ है कंपनी को ऑब्वियसली है प्रॉब्लम फॉर दीज कंपनीज इन द शॉर्टर ड्यूरेशन लॉन्गर ड्यूरेशन आई थिंक अगर आप देखोगे तो जैसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज माने जाते हैं ना क्रूड ऑइल तो ये दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इन टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मतलब उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी कार्बन न्यूट्रल ये जो डिस्कशन हो रहे ई एस जी पैरामीटर्स एंड एवरीथिंग तो उस चक्कर में डेफिनेटली अर्निंग विजिबिलिटी है इन कंपनीज के पास बट ग्रोथ पोटेंशियल इज अ कंसर्न वैसे देखा जाएगा तो इनके जो रिफाइनिंग मार्जिनस वगैरह दे हैव इम्प्रूवड रियली वेल बट डायरेक्टली बहुत ज़्यादा मतलब वो थोड़ा सा कॉम्पनसेट इनके लॉसेस कर सकते हैं बट इसमें दो कंपनीज़ है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करते हैं या फिर तीन भी बोल सकते हैं एक प्राइवेट सेक्टर और दो पब्लिक सेक्टर एक है ओ दूसरी है ऑयल इंडिया और तीसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ये कंपनीज़ को राइजिंग क्रूड ऑयल का बहुत बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज इनके जो मार्जिनस होते हैं वो परसेंटेज टर्म्स में होते हैं सो अगर अस्सी डॉलर का ब्रांड का प्राइस चल रहा है तो उस पे सम परसेंटेज दे चार्जेस रिफाइनिंग मार्जिन अगर ये सौ डॉलर होता है तो वही परसेंटेज कंटिन्यू होता है एंड दैट्स हाउ देयर प्रॉफिट्स इंक्रीज तो ये जो चीज है फॉर समथिंग सम कंपनीज इट इज नेगेटिव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बट द रिफाइनिंग कंपनीज की अगर हम बात करते हैं

आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड यह स्टॉक स्पेसिफिक चीजें करना हा बट इसमें एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके जो बाकी के बिजनेसिस है भले ऑयल एंड मार्केटिंग भी है रिफाइनिंग भी है रिटेल भी है टेलीकॉम भी है प्लस अब क्लीन एनर्जी में भी आ रहे सो आई थिंक दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडारे तीन मेजर सेक्टर्स थे मल्टीप्लेक्सेस हो या फिर एफ एमसीजी एंड गैस ऑइल मार्केटिंग स्पेसिफिकली इनमें कुछ कुछ कंपनीज है जिसपे आपने नजर रखी चाहिए और कुछ कुछ कंपनीज़ है जो आपने अवॉइड करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको मत भूलना दोस्तों एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा हमेशा कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स आप लोगों के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट डॉट पर अवेलेबल होते हैं तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए जय हिंद